राजेश भाई साहब आ गए हैं, मैं राजेश भाई साहब को तुरंत डिबेट में ले लूं। इनका आज कुछ एक भोपाल में कार्यक्रम था। हाँ, राजेश भाई आपको तुरंत डिबेट में ही मैं ले ले रहा हूँ। 18 का एजेंडा पता नहीं है, बात उसी पे हो रही है। कुछ टेंटेटिव बिल्स आएंगे, टेंटेटिव हैं वो भी जी। उसके बाद आएगा नहीं आएगा पता नहीं। एक इम्पोर्टेंट चीज ये है, और कुछ दर्शक का भी कह रहे हैं, कुछ लोगों का और भी कहना है कि अगर एजेंडा नहीं बता रहे हैं तो विपक्ष को बैकआउट कर देना चाहिए। हालांकि मैं उस ओपिनियन का नहीं हूं, वो एजेंडा बताएं चाहे ना बताएं, विपक्ष को पूरे टाइम वहीं बैठे रहना चाहिए, भले ही मुंह पे टेप लगा के बैठे रहें, मुंह पे टेप लगा लें और कह दें कि हम बैठेंगे यही। क्योंकि ये एक 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 ये भी स्ट्रेटेजी हो सकती है कि कुछ ऐसा काम कर दो और फिर ठीकरा ये फोड़ो कि भाई विपक्ष जो है वो संसद नहीं चलने दे रहा। मैं थोड़ा इन दोनों चीजों पे, जो बिना एजेंडा के बुलाया है और अब एक एक दिन का एजेंडा बताया है, और विपक्ष को वॉकआउट कर, मतलब विपक्ष को इसमें पार्ट लेना चाहिए कि नहीं अगर एजेंडा नहीं बता रहे जी, धन्यवाद आनंद जी। देखिए, अगर आपको संसद के इस खास सत्र के बारे में और उनके उसके एजेंडे को लेकर के जो हालिया घटनाक्रम है उसको अगर आपको समझना है तो इस सरकार के समूचे चरित्र को समझना होगा कि वास्तव में संविधान और संसद को लेकर के वो कितनी गंभीर है। हमने ये पाया है कि पिछले 9 साल में संसद को लेकर के जो गंभीरता सरकार की होती है वो उसने नहीं दिखाई है। और मोटे तौर पर हमारी जो संवैधानिक और लोकतांत्रिक परंपरा ये कहती है कि संसद को चलने में सरकार की बड़ी भूमिका होती है क्योंकि वो बहुमत में होती है। तो हमने ये पाया है कि जब बहुमत में होते हुए भी सरकार अवरोध डाले और सत्र ना चलने दे तो आप क्या माना जाए कि क्या उसकी मंशा बहुत पाक और पवित्र है। और इसके अलावा हमने कई अवसरों पर देखा है कि जब संसद के जो हमारे प्रावधान हैं, परंपराएं हैं, प्रतीक हैं, उनको लेकर के सरकार ने कभी बहुत गंभीरता नहीं दिखाई। जहां तक व्यवस्था की बात है, 5 दिन के सत्र की बात है, ठीक है, वैसे तो यही है कि 15 दिन पहले आपको एजेंडा बताना चाहिए और एजेंडा पूरा बताना चाहिए। और इस पे कोई मतलब इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ असहमति वाली बात होगी, लेकिन इसका अर्थ यह है कि एक दिन एजेंडा का अर्थ दो में मैं तो दो बातें समझ पा रहा हूं। पहला जो कारण है वो ये है कि देखिए, या तो जो मौजूदा मुद्दे हैं सरकार एक एक दिन का एजेंडा जारी करके उन मुद्दों, जैसे अब हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, तो मीडिया में और तमाम सारे प्लेटफॉर्म पर जो असफलताएं और जो नाकामियों के मसले हैं उन पर चर्चा ना हो। आप अदाणी पर चर्चा ना करें, आप करप्शन पर चर्चा ना करें, आप बेरोजगारी पर चर्चा ना करें, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव हैं। और जब 5 राज्यों में चुनाव हैं तो देखिए, 5 वर्षों के बाद कोई भी सरकार जब लोग जनादेश के लिए जाती है तो वो अपनी उपलब्धियों की बात करती है। तो 5 राज्यों में जब जाना है तो वो नाकामियों की बात भी तो उठेगी ना। तो वो ऐसे ऐसे इशू आप जैसे रोज एक बार डालते रहेंगे, एक तो कारण मुझे ये लगता है कि वो डाइवर्ट करते रहे आपको। और दूसरी बात यह है कि देखिए, एक जो मैं मेरे पास कहीं से व्हाट्सएप आया था, वो शायद उस पहले एजेंडे के उस पे है, उसमें चुनाव आयोग संबंधी एक विधेयक भी है। तो अब उस विधेयक में देखिए, चुनाव आयोग को एक तरह से मंत्रालय का दर्जा मिल जाएगा, एक तरह से जब उसमें CGI नहीं रहेगा तो स्टेट गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट हो गया, क्योंकि बहुमत उन लोगों का होगा जो केंद्र सरकार के लोग होंगे। और जब बहुमत होगा तो एक अकेला प्रतिपक्ष का नेता क्या कर सकता है। हमने देखा है बीते दिनों कुछ नियुक्तियां जिनमें संसद में प्रतिपक्ष का नेता होना चाहिए उनके विरोध के बाद भी आपने वो फैसले लिए हैं। तो एक तो कारण ये है कि एक बहुत बड़ा अलोकतांत्रिक निर्णय है, और अगर प्रतिपक्ष जाहिर है इस पे हल्ला करेगा तो आप स्थगित कर देंगे। तो या तो आपके पीछे आपकी मंशा वो है कि आप स्थगित ना कराएं और आप वो विधेयक, चूंकि आपका बहुमत है, आप पारित करा लें, सरकार अब प्रतिपक्ष अपनी बात कर ही ना सके। तो ऐसे में मैं आपकी बात बिल्कुल ठीक मानता हूं कि शोर मचा के अवरोध करना, उत्पन्न करना या बायकॉट करना ये बहुत अच्छी बात नहीं है। संसद चलती है, अगर एक पक्ष ने मान लीजिए ये तय कर लिया है कि वो संसदीय गरिमा और परंपराओं की अवहेलना करेगा तो प्रतिपक्ष को ऐसा क्यों करना चाहिए, प्रतिपक्ष को उसके झांसे में क्यों आना चाहिए। हमारे पास कितने विधेयक उदाहरण है, आप मानसून सत्र साल दो साल पहले के उठा के एक बार देखिए, क्योंकि ये मानसून का मौसम है। किसान आंदोलन जब चल रहा था, पेगासस मामला जब आया था, और तब कितने विधेयक
यूं ही बिना चर्चा के पास हो गए, कितनी जो जो खराब बात है कि आप विधेयकों पर ना तो वो सांसदों के पास चर्चा के लिए भेजे गए, ना उन्होंने उस पर अध्ययन कर पाए और बिना चर्चा के आपने वो पास करा लिए। तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं कुछ ऐसा है कि वैसे तो अगर विधेयक जो पेंडिंग है लटके हुए हैं और जो है उनको कायदे से संसद सभी सदस्यों को देना चाहिए ताकि वो अध्ययन करके उन विधेयकों का देश हित में उस पर बहस कर सकें, उनमें कोई आवश्यक संशोधन चाहें तो वो करा सकें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो मुझे ये लगता है कि ये एक बहुत एक हठधर्मी है सरकार की, जो बहुत लोकतांत्रिक हठधर्मी नहीं है। और अगर ये एजेंडा जारी करने का है तो इसका मतलब ये है कि अगर विपक्ष बायकॉट करता है तो विपक्ष जो है सरकार के ट्रैप में आ रहा है। लेकिन बावजूद इसके कि वो ट्रैप में आए, बायकॉट करे या ना करे, अगर वो संसद वाला निर्वाचन चुनाव आयोग वाला विधेयक आता है और उस पर सरकार अड़ती है तो ये देश के लिए बहुत ही मेरा ख्याल है अलोकतांत्रिक और असंसदीय होगा। जी आनंद जी, मैं राजेंद्र साहब एक छोटा आपसे सवाल ले लूं फिर, क्योंकि सबसे छोटे ही छोटे अब समय की हुआ है। एक और अजीब सी चीज हुई है, जो सीसी पुराने कुरैशी साहब हैं उन्होंने इस निर्णय का स्वागत किया, और मतलब मैं इस बात को इसलिए अचंभित हूँ कि वो उस कुर्सी पे बैठा हुआ आदमी अगर ये कहे कि नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को असल में बहुत अफसरों का पता नहीं रहता है कि वो अफसर कैसे काम कर रहे हैं, तो अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है और मोदी जी के उसमें तो ये तो सेंटर में कभी रहे नहीं थे, तो इनको तो गुजराती के अधिकारी पता थे, हालांकि वो लग भी रहा है गुजराती के अधिकारी सब जानते हैं, तो ये कोई लॉजिक है? मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुरैशी साहब इस तरह के पहले भी कुछ कुछ दिए हुए हैं वक्तव्य, क्योंकि इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं उनको बल मिलता है कि जो इस तरह की गैर संवैधानिक हरकत करने की कोशिश कर रहे हैं। राजेश भाई, मैं सब एक छोटा है इस पे टिप्पणी। देखिए देखिए दो बातें हैं, पहली बात तो ये है कि एक भारत के नागरिक होने के नाते पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को ये अपनी बात रहने का हक है, रखने का हक है, लेकिन जब वो उनके साथ हम उनका अभामंडल मंडल देखते हैं कि वो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, तो आयोग के कामकाज को पर निष्पक्षता हो, लोगों का भरोसा हो, ये भी क्या उनके दिमाग में नहीं आया? ये मेरे लिए थोड़ा सा चिंता में मुझे डालने वाला है, क्योंकि वो उनका कार्यकाल भी बड़ा ठीक ठाक सा माना गया था। दूसरी बात ये है कि जो मौजूदा व्यवस्था थी वो भी तो संसद ने बहुमत के साथ ही पारित की थी, जिसमें मुख्य चुनाव सीजेआई उसमें शामिल होता था। तो अब अगर आप सीजेआई को हटा रहे हैं तो आप मुझे बताइए कि उस पर निष्पक्षता की गारंटी मोहर लगाने वाला वाली कौन सी संस्था रह जाएगी? सारे मंत्री जो है आपके रबर स्टैंप है। अगर मंत्रियों ने बहुमत से किसी को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त बनाने का फैसला कर लिया तो फिर तो वो कल के रोज पाकिस्तान का चुनाव आयोग जैसे भी बात कर सकता है, या उन देशों में जहां सरकारें चुनाव आयोग को चलाती हैं। तो ये मुझे नहीं लगता कि मिस्टर कुरैशी को क्या बात करनी चाहिए और क्या नहीं, लेकिन मिस्टर कुरैशी के इस बयान से ये जरूर लगता है कि जिस तरह से हमने देखा था कि एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश आज संसद में बैठे हुए हैं, कई पदों पर बैठे ऐसे लोग जो बड़े निष्पक्ष होते थे और अचानक उन्होंने अपने सुर बदले और हमने पाया कि उनको एक लाभ के पद पर बैठा दिया गया, ऐसे भी हमने उदाहरण देखे। हमारी पत्रकारिता में कई वरिष्ठ संपादक ऐसे हैं जो पहले अब तक बहुत ही निष्पक्ष और आलोचक पत्रकार माने जाते थे, अचानक वो तारीफ के गुण गाने लगे और हमने उनको देखा कि हमने उनको बहुत लाभ के पदों पर देखा बैठते हुए। तो मैं हो सकता है कि उनका कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा हो यहाँ आकर के, लेकिन उन्होंने सारी अपनी जिंदगी की पूंजी गंवा दी है। जी